तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की ऐसी 5 सेटिंग जिसको आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में चेंज करके रखना चाहिए। अभी बोल सकते हैं चेंज करना चाहिए। क्या ये सेटिंग है, कहाँ मिलेगी, कैसे इसको यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कमाल की सेटिंग जो कि आपको चेंज करनी चाहिए। तो सबसे पहली सेटिंग है वो है लॉक स्क्रीन को लेकर। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको बताऊंगा, लॉक स्क्रीन पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती है और लॉक स्क्रीन पे ही लॉक पढ़ सकते हैं विदाउट अनलॉक करें। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 1UI 5.1 यहाँ पर आप लॉक लगा सकते हैं कि किन एप्स की नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन पर शो हो और किसकी नहीं हो। तो आप जिसकी इंपॉर्टेंस हो वहाँ पर हाइडन कर सकते हैं ताकि लोगों को वो शो ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद जाना है आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग पे, सॉरी नोटिफिकेशन के जाने के बाद आपको जाना है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पे। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर जाना है शो कंटेंट में और यहाँ सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आपको सारी एप्स मिल जाएंगी जिन जिन ऐप को आपको इनेबल करना है और जिन जिन की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर हिडन करना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, उस ऐप में जाना है और उस ऐप में जाने के बाद वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। लाइक मुझे इसकी नहीं चाहिए, मतलब जिसकी भी आपको नहीं चाहिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन पे जाके उसको बंद कर देना है और उसकी नोटिफिकेशन आना आपकी स्क्रीन पे बंद हो जाएगी। लाइक OTP हुआ, मैसेज हुए, सब आप यहाँ पर हिडन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे पहली सेटिंग है आपको ये करनी चाहिए। उसके दूसरी सेटिंग जो है वो है रैम प्लस को लेके। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आफ्टर 1UI 5.0 या 5.1 आपको अब सैमसंग गैलेक्सी में रैम का ऑप्शन मिलता है। ये पहले भी दूसरे मोबाइल से मिलने लगा था बट सब में आपको रैम प्लस का ऑप्शन मिलता है। तो रैम प्लस काम क्या करता है, वो आपकी इंटरनल मेमोरी को यूज़ करता है और आपके जो रैम है उसको इंक्रीज करता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा वो दिक्कत ही देता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको उसको ऑफ करके रखना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी फालतू की वहाँ पर रैम को खाता है। तो उसको ऑफ करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नीचे की तरफ, उसमें जाना है आपको के लिए जाना है आपको यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर पे। बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाने के बाद जाना है मेमोरी में। मेमोरी में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 3 डॉट्स पे, आपको जाना है यहाँ रैम प्लस में और आपको इसको बाय डिफॉल्ट बंद कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, आपको इसको ऑफ करके रखना है, इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो सेकंड टिप आपको यही करनी है। तीसरा सेटिंग जैसा कि मैंने बताया, अगर वहाँ पर अगर आपने कोई लॉक लगा के रखा है और जब भी आप कोई पासवर्ड देखेंगे तो वो वहाँ पर रीड कर सकता है, कोई भी उसको इजीली रीड आउट कर सकता है। तो उसको टिप आपको उसको सिक्योर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे एंड देन मैक पासवर्ड विजिबल को ऑफ कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा, जब भी आप अपने मोबाइल पर पासवर्ड डालेंगे तो कोई भी उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कोई भी उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा। तो थर्ड टिप या थर्ड सेटिंग आपको ये चेंज आउट करने। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो है कमाल की सेटिंग। दोस्तों ये है कि अगर मान लो आप कभी कहीं कहीं गए हो या कहीं मीटिंग में हो, कहीं कोचिंग क्लासेस में, कहीं ऐसी जगह हो कि आपको अपने मोबाइल को साइलेंट करना है। बट होता क्या है, साइलेंट तो कर लेते हैं, बाद में हम उसको रिंग पे करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक कमाल की यहाँ पर सेटिंग मिलती है, आपको उसको ऑन कर लेना करना है। आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे लाइक आपका मोबाइल साउंड पे, तो आपको करना क्या है, म्यूट पे करना है या वाइब्रेट पे करना है, म्यूट पे करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको टेम्परेरी म्यूट के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप उसके आवाज़ डाल सकते हैं कि कितनी देर या कितने घंटे के लिए आपको म्यूट करना है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिंग पे हो जाएगा। आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बाई डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक उसको रिंग पे कर लेगा। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो फीचर है वो फिफ्थ बताने वाला हूँ, वो बहुत शानदार है। दोस्तों होता क्या है, तो कभी हम कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं और कंटिन्यू उसको पढ़ना चाहते हैं, बट क्या होता है, सडनली आपका मोबाइल लॉक हो जाता है और वो जैसा कि आपने स्क्रीन ऑफ लगा के रखा हो तो मोबाइल लॉक हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जब हम उसको पढ़ रहे हों या वो जब भी हम उसको देख रहे हों तो हमारी स्क्रीन लॉक ना हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। कैसे, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन लॉक हो गया है, अभी बार बार आपको अनलॉक करना पड़ेगा तब आप इसको खोल सकते हैं। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने को जाना है यहाँ पर एडवांस सेटिंग में, एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको जाना है मोशन एज गैजेट्स में और यहाँ पर आपको मिलेगा कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे स्क्रीन ऑफ नहीं होगी और आप अपना काम वहाँ पर इजीली कर सकते हैं। दोस्तों यही 5 नई सेटिंग या यही 5 सेटिंग जो आपको चेंज आउट करनी चाहिए इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी होगी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक हो सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम जरूर चीज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी दबा दो। तो थैंक यू।